देश के नौ निहालों में देशभक्ति का रंग भरने के लिए बीएसएफ ने अमृतसर में बच्चों को सीमा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें न सिर्फ बच्चों को बॉर्डर पर तैनात जवानों के हालातों की जानकारी दी जा रही है, बल्कि ऐसे हालातों में जवानों के जज्बे और हिम्मत को भी सलाम किया जा रहा है। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, सरकार भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए बच्चों में देशभक्ति का रंग भरने और उन्हें बीएसएफ से जोड़ने के मकसद से अमृतसर में सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत बच्चों को बॉर्डर पर जवानों के हालातों के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही बीएसएफ के इतिहास के बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान किस तरह मुस्तैदी से काम करते हैं, बच्चों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। वहीं बच्चे भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि बॉर्डर पर जवान किन किन हथियारों के जरिए दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। बच्चों की इस उत्सुकता को भी बीएसएफ पूरा कर रहा है। बच्चे भी सीमा दर्शन से मिल रही जानकारी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीएसएफ दे पंजाबी बटालियन विच घूम गए थे, उत्थे सानू डीसी साहब ते डीआईजी साहब नाल मिलने दा मौका मिलिया, ते डीसी साहब ने सानू मैप पर सारे इंस्ट्रक्शन दसी भी किस तरह साडे एलसी जो इंडिया दे बॉर्डर पर किदां उत्थे जवान मौजूद रहिंदे ने ते किदां उत्थे काम हुंदा है ते किस तरह असीं होर बीएसएफ नूं होर भी वधिया बनाउण दी कोशिश कर रहे हां। बीएसएफ के वेपन्स के बारे में सबको जाना, AK-47 से मशीन गन जितनी भी वो यूज करते हैं उन सब के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बारे में सुन के मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि मैं बीएसएफ ज्वाइन करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। देश के अलग अलग शहरों से आए बच्चे बीएसएफ की 67वीं बटालियन के ऑफिस रामतीर्थ पहुँचे। इस मौके पर बच्चों को न सिर्फ बीएसएफ के बारे में जानकारी दी गयी, बल्कि बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गयी है। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में उत्साह की भावना पैदा करते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को अपने बीएसएफ के काम काज करने के तरीके में बताया, इनको अपने बीएसएफ के पास जो वेपन सिस्टम्स हैं और सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं इनके बारे में बताया। इन सब का एक तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना, दूसरा उनके मन में फोर्सेस को सशस्त्र सेनाएं और बीएसएफ को ज्वाइन करने के बारे में प्रोत्साहित करना। वहीं बीएसएफ की इस पहल की केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी तारीफ की है। उनका मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में न सिर्फ देशभक्ति का जज्बा और प्रखर हो रहा है, साथ ही उनकी नजरों में देश के प्रहरियों के प्रति सम्मान भी बढ़ रहा है। मेनली वी आर विजिटिंग ऑल द प्लेसेस द बॉर्डर्स मेनली and even we are seeing this weaponry system, arms and ammunition, and how this BSF people are working on the borders, each and every idea we are trying to get. And this project has been collaborated by Ministry of HRD and Ministry of Home Affairs and Ministry of Defense also. And this prestigious pilot project, when it is successful, we are trying to bring the children every year also, batch after batch. सीमा दर्शन कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ साथ गृह मंत्रालय की तरफ से करवाया जा रहा है। मकसद बच्चों को बीएसएफ के बारे में जानकारी देना है। ये बेहतरीन कोशिश रंग ला रही है। देश के प्रहरियों के प्रति बच्चों में सम्मान बढ़ रहा है और देश के प्रति उनका जज्बा भी। अमृतसर से सुमित खन्ना, MH1 न्यूज़।